बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे कि मीठी सेवइयां कैसे बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत प्यारा, तो हमारा दिल किया कि हम सेवइयां बनाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक अदद ये कोई भी कढ़ाई, पतीला, पतीली, देसी, जिसमें भी आप बना लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, ठीक है। जितनी आपकी सेवइयां हैं उसी हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल लें। तो हम इसमें तकरीबन डालेंगे 3 चम्मच, क्योंकि हमारी सेवइयां ज़्यादा हैं, भर भर के डाले हैं मैंने, ठीक है। बहुत मज़े की ये सेवइयां मुझे लगती हैं मीठे में। और ये हमारे पास 2 पैकेट हमने सेवइयों के यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। इनको हमने निकाल के चेक कर लिया है कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं है, बाज़ूकात कोई चीज़ भी निकल आती है नीचे से ना, ये बिल्कुल साफ़ है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैं इसमें ना भर के एक डब्बा जो है पानी का ऐड करूँगी, सेवइयां ज़्यादा हैं इसलिए। ये तो अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे चीनी इसमें। हसबे ज़रूरत चीनी ऐड करेंगे हम। मैं ये बड़े चम्मच के साथ ही डाल रही हूँ, कोई इसकी क्वांटिटी नहीं है, ये ऐसे। अभी जब ये बॉईल होगा, इसमें उबाल आएगा, तो फिर हम इसमें सेवइयां ऐड कर देंगे। हमारा पानी उबलना शुरू हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सेवइयां। पानी इतना होना चाहिए कि उसमें डिप हो जाए। पानी की तादाद हम थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि उसको दम पे रख के हम पकाएंगे। चूल्हे को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जब भी कभी बारिश का मौसम हो तो आप ये सेवइयां बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़े की लगती हैं। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। इसको थोड़ा ना दम पे रख के ये बन जाती हैं, ये देखिए। ये जैसे ही हमारे पास थोड़े से ज़्यादा उबल जाएगी, 2-3 उबाल आएंगे, तो उसके बाद हम इसको कम कर देंगे इसकी फ्लेम को। एंड पे इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर ये ज़्यादा पक जाएं, गल जाएं, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी, खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती हैं। इसमें आप बादाम और गिरी मेवा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसको निकाल के साइड पे कर देते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाऊँगी। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है। जैसे ही खुश्क होगा, मैं थोड़ी देर इसको दम पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इस पे थोड़ा सा ना इसको ढक देंगे, ताकि ये अगर कच्ची कच्ची हैं तो ये गल जाएं, ठीक है। इसका हम कवर लगा देते हैं और ये नीचे हीट जो है वो कम कर देते हैं। 2-3 मिनट के लिए इसे रखते हैं, वो हमारी सेवइयां झटपट तैयार हो जाएंगी। आप भी हमारे साथ मिलके खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको खाने में कैसी लगी। अभी जब तैयार होंगी फिर हम आपको दिखाते हैं जी। अभी हम चेक करते हैं हमारी सेवइयां कहाँ तक पहुँची हैं, देखें। अब हम इसको हलाते हैं, चेक करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारी सेवइयां बिल्कुल साथ नहीं चिपकी हैं, खड़ी खड़ी हैं, ये देखें बिल्कुल साथ नहीं चिपकी हैं। और इसी तरह की सेवइयां अच्छी लगती हैं, आप भी इनको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको भी। इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें इस सिचुएशन में होंगी, ये देखें, ये देखें,
ये देखिए बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत यमी टेस्टी मीठी। मीठा खाने का जब भी दिल करे आप इसको बनाएं, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपके सामने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।